आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन ब्रज की पावन भूमि आगरा में 22 से 25 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। यह अधिवेशन देश की युवा पीढ़ी में भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प को और दृढ़ करेगा। देश भर के कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों की सहभागिता का यह अधिवेशन सभी के लिए अत्यंत ही उत्साहवर्धक है और ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर होने वाले इस 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय विषयों की चर्चा होगी। राज्य विश्वविद्यालय की स्थिति, पर्यावरण का लगातार प्रदूषित होना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35A हटाने के बाद भी स्थिति, देश का वर्तमान परिदृश्य, करतारपुर कॉरिडोर का स्वागत, नशाखोरी से ग्रसित होता युवा देश की विरोधी ताकतें, एक देश एक निशान, एक विधान एक संविधान की व्यवस्था, बेरोजगारी, रोजगार, परिदृश्य एवं संभावनाएं, महिला विमर्श और युवा इत्यादि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रस्ताव रखे जाएंगे। पूरे देश भर के राष्ट्रभक्तों के इस विशाल समूह के मंथन में देश व समाज के लिए तमाम सकारात्मक परिवर्तनकारी विचारों का निर्माण होगा, जो कि देश व समाज को एक नई दिशा व ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे मंत्री उदय इनाला, प्रांत अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य गुंजन पंडिता, प्रांत मंत्री आशुतोष मित्रा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आगरा के अंदर 36 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। इस अधिवेशन के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद शिक्षा विषय को लेकर के, राज्य विश्वविद्यालयों को स्थिति को लेकर के ऊपर प्रस्ताव पारित करने वाली है। वर्तमान परिस्थिति के अंदर देश की हालात, चाहे राम जन्मभूमि के ऊपर आया हुआ निर्णय, चाहे सबरीमला के ऊपर आया हुआ उसको डेफर किया गया है, ऐसा निर्णय धारा 370 के हटाए जाने के बाद जो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, इन सभी विषयों को लेकर के विभिन्न चर्चाओं को आयोजित करेंगे। देश के अंदर अगर हम कहें तो एक वर्तमान परिस्थिति के तौर पर आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए भाषण और नए विमर्श, उनके ऊपर चर्चा, राष्ट्रीय एकात्मता के विषयों को लेकर के दो अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें राखीगढ़ी वहाँ पर आर्यन और द्रविड़ सिविलाइजेशन जो इस तरह की चर्चा और इस तरह का नैरेटिव फैला देखे उसको तोड़ते हुए जेनेटिक्स की रिसर्च के ऊपर जो प्रोफेसर वसंत शिंदे हैं वे स्वयं रहेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को लेकर के उनका उद्बोधन रहने वाला है। ऐसी चर्चा इस अधिवेशन के अंतर्गत रहने वाली है और इसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वे 25 नवम्बर को प्रोफेसर यशवंत राव जो कि युवा पुरस्कार के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। जो इस वर्ष का पुरस्कार है वह साल के लिए दिया जा रहा है, उनको प्रदान करने का।